सभी को नमस्कार। और हम आपसे आशा करते हैं आप सभी हेल्दी होंगे, अपने आप को हेल्दी रखिए। और आरपी बड़ोनी की क्लास में आज आपका स्वागत है। हम आज भौतिक विज्ञान की क्लास में कक्षा 12 का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पर। सबसे पहले हम एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है कूलाम का नियम और आवेश के बारे में। आओ एक इंटरैक्टिव के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक GGB इंटरैक्टिव अपलेट लिया है और जिसके माध्यम से मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि यदि कोई भी एक आवेश Q1 या Q2 अगर अपना स्थान बदलता है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ये डिपेंड करता है आवेश के धन आवेश होने पर या ऋणावेश होने पर। यहाँ पर हम उनकी दिशा बदल सकते हैं और उनको चारों तरफ कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यदि दो आवेश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो विपरीत आवेश होने पर अट्रैक्शन और समान आवेश होने पर प्रतिकर्षण होता है। यह कूलाम के नियम द्वारा समझाया गया। जैसा कि कूलाम कहते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स उनके आवेशों के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा हमने पहले प्रीवियस कक्षा में पढ़ लिया है। अब हम आज बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो सामान्य परिभाषा है वो यह है कि वह क्षेत्र या वह प्रभाव जिसमें स्थित कोई भी आवेश अपनी स्थिति के अनुसार कोई बल का अनुभव करता है। जिस पेरिफेरी में वह बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को जानने के लिए हमें परीक्षण आवेश की जानकारी होनी चाहिए। अब परीक्षण आवेश क्या होता है? यह एक धनात्मक प्रकृति का आवेश होता है और इसका मान इतना न्यून होता है जिसके कारण मूल विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको परीक्षण आवेश या यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश Q0 का जो अनुपात है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। सामान्य तौर पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल उस स्थिति का विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यह एक सदिश राशि है और इसको हम इस एक्सप्रेशन से दिखा सकते हैं, जैसे E = F/Q0 जब Q0 जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, यानी ये उसके लिमिट है। हम इसको भी एक इंटरैक्टिव से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम उसे कैसे अनुभव करेंगे या हम उसे कैसे दर्शा सकते हैं। यहाँ पर भी हम इस इंटरैक्टिव के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग आवेशों को दिखाया गया है, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, और हम उन आवेशों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। जब उनके मान भिन्न भिन्न है, यानी प्लस या माइनस, ये डिपेंड करेगा उनके मैग्नीट्यूड पे। यहाँ पर मैं स्लाइडर के माध्यम से यदि Q1 या Q2 या Q3 आवेश को थोड़ा भी स्लाइड करता हूँ तो मुझे उनके बीच जो फील्ड डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, उसका आभास होता है कि जब ये पास आ रहे हैं तो फील्ड इंटेंसिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या
जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल या आवेशों की संख्या को घटा बढ़ा रहे हैं तो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं कि उसकी तीव्रता यहाँ पर घट रही है या बढ़ रही है। सामान्य तौर पर आप ये कह सकते हैं यदि आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो उनकी जो फील्ड डेंसिटी है वो बढ़ेगी, अर्थात आवेशों के पास होने पर फील्ड डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हुए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो आवेशों के बीच हम कैसे डिफाइन करेंगे। अतः विद्युत क्षेत्र किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेशित वस्तु का वह अनुभव करती है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या सामान्य तौर पे विद्युत आवेश को किसी बिंदु पर यदि रख दें तो उसके आसपास एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो हमेशा एक धनात्मक या ऋणात्मक आवेश के रखने पर उसको अनुभव करता है। यानी एक बल जो एक आवेश के द्वारा किसी फील्ड का एहसास करवाता हो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर दो आवेशों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है वो कैसे एक दूसरे के बीच में फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। यानी यदि बिंदु या स्थान पर कोई एक धनात्मक या ऋणात्मक आवेश हो तो उनके बीच एक विद्युत बल होता है। यह विद्युत बल ही एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या परावैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अतः विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पर जो बल कार्य करता है उसे हम विद्युत बल रेखाओं से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सामान्य तौर पे इन्हें लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं और ये हमेशा धनात्मक से उत्पन्न होकर ऋणात्मक की ओर अग्रसर होती हैं या ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं या वाइस वर्सा, ऋणात्मक आवेश पर यदि हम इन्हें प्रारंभ करेंगे तो ये वहाँ वापस लौटती हुई दिखाई देंगी। सैद्धांतिक रूप से किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अनंत तक फैला हो सकता है। अतः वास्तव में विद्युत आवेश जब धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूनतम होने लगता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र आवेशों के बीच दूरी बढ़ने से घटता है। अतः विद्युत बल रेखाओं को हम एक सामान्य सरल रेखा या वक्रीय पथ से भी दर्शा सकते हैं जिसकी दिशा उन पर खींचे गए टेंजेंट या स्पर्श रेखा से दर्शा सकते हैं। इनके कुछ सामान्य गुण होते हैं, यानी सभी जो बल रेखाएं होती हैं वो धन चार्ज से उत्पन्न होती हैं और ऋणात्मक चार्ज पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाओं पर खींचा गया टेंजेंट विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती हैं, अर्थात दो विद्युत बल रेखाओं के बीच में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता, वो एक दूसरे को काटती नहीं, अर्थात किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती। आओ अब ज्ञात करें किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करो कि कोई विद्युत आवेश अगर है तो उसके कारण किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम इसको मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक क्यू और एक क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट को हम वही टेस्ट चार्ज कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे, जो बिंदु पी पर है। और हम कल्पना करेंगे कि जो क्यू आवेश है वो पी बिंदु से मान लीजिए आर दूरी पर है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह किसी बल के कारण होगा। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो तो कूलम बल के बराबर ही होगा, अर्थात एफ बराबर के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा एफ अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ पर हम एफ का मान रख देंगे तो ये समीकरण हो जाएगी एफ बराबर के
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यह समीकरण क्या बन जाएगी, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो के है वो कांस्टेंट है जिसका मान 1/4πε0 होता है, और इसको हम इस तरह से वेक्टर फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं, अर्थात जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर भी हम ग्राफिकली हम विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अतः आओ देखें हम इस ग्राफ को, यहाँ पर किस तरह से हम E और R के बीच में इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने से सतत घटती है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए क्या है कि ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि E और R का वेरिएशन कैसे हो रहा है। अब आप देखिए जैसे जैसे R का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे जो E है, E का जो ग्रेडियंट है वो लगातार कम हो रहा है, यानी डिस्टेंस घटने से E का मान बढ़ रहा है, और वहीं जैसे जैसे डिस्टेंस वापस हम इंक्रीज कर रहे हैं तो E का मान घट रहा है। तो यहाँ पर भी ये शो करता है कि जो E और R का रिलेशन है वो इनवर्स स्क्वायर जो लॉ होता है उसका अनुपालन करता है, और सिंपली यू कैन से किसी भी क्यू के लिए अगर दूरी बढ़ती है तो उसके लिए E का मान घटता है। अब यहाँ पर ये जो E का मान है वो उस माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है जहाँ पर हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो सामान्यतः परावैद्युतांक क्या है, निर्वात या वायु के आवेशों के मध्य कार्यरत बल और माध्यम में आवेश के बीच कार्यरत बल, यानी एक निर्वात का बल और एक जो मीडियम है जहाँ पर फोर्स को कंसीडर किया गया है, अगर हम उन दोनों का रेशियो ले लें तो उसको बोलेंगे परावैद्युतांक। यानी अगर हम इसको सामान्यतः लिखें तो के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है और जो एप्सिलॉन नॉट है वो वैक्यूम की परमिटिविटी है। यहाँ पर हम सामान्यतः कह सकते हैं कि परावैद्युतांक का मान हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे जल के लिए ये लगभग 80 होता है और मेटल के लिए ये इन्फिनिटी होता है। ये कांस्टेंट मान है जो चेंज हो सकता है, पर सामान्य तौर पे यहाँ पर जब भी हम वैक्यूम की बात करेंगे या हवा की बात करेंगे तो इसका मान 1 के बराबर लेंगे। आइए अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि नाम से यहाँ पे पता चलता है द्विध्रुव यानी दो आवेश जो बराबर हो लेकिन उनके बीच विपरीत आवेश हो, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, उनके बीच कोई दूरी है। यहाँ पर हमने एक H2O का मॉलिक्यूल लिया है और उसे समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम डायपोल मोमेंट को समझाएंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल जो परिभाषा वो ये कहेंगे कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से यदि अल्प दूरी पर हो तो उनके बीच की जो दूरी है उसका गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी आवेशों के बीच की दूरी और आवेश का गुणनफल, यानी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल अगर हम कर दें तो वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस निकाय में हुए आवेशों के ध्रुवीकरण को नापता है, यानी वहाँ पर कितना पोलराइजेशन हुआ उसका मेजरमेंट करता है। इसको हम कूलाम मीटर से नापेंगे। प्रकृति में अलग अलग स्थिति में विद्युत द्विध्रुव को समझा सकते हैं। यदि दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष मान लें तो उन दोनों आवेशों के बीच यदि दूरी को 2L मान लिया जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्यू इंटू 2L होता है। यहाँ पर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि दो आवेश लिए उनके बीच की दूरी माइनस क्यू प्लस क्यू ली, तो हम कह सकते हैं कि यदि वो मान लीजिए 2L दूरी से सेपरेट हों तो उनके बीच
जो डाइपोल मोमेंट होगा वो पी बराबर क्यू इंटू टू एल होगा, यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम ये कह सकते हैं, यह हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनावेश की ओर इंगित होगा और यह एक सदिश राशि के तरह कार्य करेगा, अर्थात ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश आयदर क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर हो तो वो एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, अर्थात P बराबर 2QL। यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये कितना मोमेंट पैदा करेगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण का जो मोमेंट है वो कैसे हम समझाएंगे। तो जैसे हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा है कि जो बल आघूर्ण होता है वो क्या होता है, वो फोर्स गुणा लंबवत दूरी के होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे समझाया है कि एक एक्सल पे हमने एक मान लीजिए एक डोर को हम आगे पीछे कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द डोर, यानी फ्रॉम हिंज टू हैंडल, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो एक कपल जैसा व्यवहार करेगा, युग्म, यानी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पैदा करेगा आइदर ऑफ वे। जैसे कि हम इसको एंगुलर मोमेंटम में भी समझाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण में भी समझाते हैं मैकेनिक्स में, वैसे ही यहाँ पर भी यदि किसी विद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को या किसी डाइपोल को रख दें तो वह आवेश या डाइपोल विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करेगा। अब यहाँ पर क्योंकि जो डाइपोल है उसके दोनों एंड पे एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है, इसलिए वो दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का अनुभव करेगा, यानी एक क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा डाइपोल को और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर अगर डाइपोल की जो डिस्टेंस है उसको हम 2L ले लें और उसको हम किसी एंगल पे यहाँ पर देखें जहाँ पर कि फोर्स दो फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जैसा कि चित्र में देख रहे हैं वो उससे हमें स्पष्ट होता है कि किसी भी ध्रुवीय अणु में किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश उन नाभिकों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी जो हम इसका आघूर्ण निकालेंगे अगर हम उसे टॉर्क से दिखाएं तो टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे क्या होगा, क्यू ई, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो यहाँ पर एफ बराबर हो गया क्यू इंटू ई, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सिंपल परपेंडिकुलर आप देख लीजिए, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, 2L sin थीटा। तो ये हो जाएगा 2QL, तो हो जाएगा पी, और ई यहाँ पर है तो PE sin थीटा। अब क्योंकि पी और ई एक दूसरे के क्रॉस में है, वो उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में है, पी ई के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, क्योंकि ये वेक्टर राशि है तो पी क्रॉस ई एक सदिश राशि गुणनफल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। इसी तरह से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टर्निंग फोर्स है, जो टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो डाइपोल है वो अधिकतम कितना घूम सकता है और न्यूनतम कितना घूम सकता है, तो हम यहाँ पर सिंपली ये कह सकते हैं कि यदि हम थीटा का मान बदलें या थीटा का मान चेंज करें, या हम कहें डाइपोल अलग अलग एंगल पे है जब थीटा 90 डिग्री है, तो उस समय टॉर्क कितना होगा। तो चूंकि फॉर्मूले में क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, तो अगर थीटा 90 डिग्री है तो sin 91 हो जाएगा, तो उस स्थिति में जो टॉर्क है टर्निंग फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी टर्निंग फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ई। तो हम ये कह सकते हैं इसी तरह से यदि थीटा का मान 0 कर दें तो उस समय sin 0 0 हो जाएगा, तो जो टर्निंग फोर्स है वो 0 हो जाएगा, यानी जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, और ऐसा संभव नहीं है। ये आप समझते होंगे ऐसा क्यों नहीं है, क्यों उस समय उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, इट विल अलाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड,
और जो संभव नहीं है वहाँ पर वो जो व्यवहार होगा उसका, वो फोर्स के बजाय एक फ्लक्स की तरह व्यवहार करेगा, जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। तो आज हमने बेसिकली जो इस अंश में, इस सेशन में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बातचीत की थी विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने बात की टेस्ट चार्ज की, कि टेस्ट चार्ज क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए। इसी तरह से हमने बात की थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का मान क्या होगा। फिर हमने बात की थी विद्युत बल रेखाओं की, यानी लाइन ऑफ फोर्सेस की। हमने उनके गुण धर्मों की बात की कि उनके क्या क्या गुण धर्म होते हैं, इनका क्या रोल है इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए। फिर हमने बात की कि जो बिंदु आवेश के कारण है विद्युत क्षेत्र में, हम उसका कैसे अनुप्रयोग करेंगे। फिर हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो आवेशों के बीच की दूरी है उसमें ई और आर के बीच में हमने वेरिएशन देखा, यानी ग्राफिकली हमने ये देखने की कोशिश की कि कैसे ई का मान आर के रिस्पेक्ट में घटता है, कैसे बदलता है। इसी तरह से हमने प्रावैद्युतांक का क्या इफेक्ट होता है विद्युत क्षेत्र पर, यानी निर्वात में और किसी माध्यम में, उसको जानने की कोशिश की। फिर हमने वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका क्या रोल है, ये सब हमने जानने की कोशिश की।